खबरों में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बदायूं की, जहां लगभग 35 किलोमीटर में लगने वाला ये प्राचीन संस्कृति मेला पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास लोकप्रिय है। बताया जाता है कि गंगा माँ ने ककोड़ा वासियों के सामूहिक रूप से सपना दिया कि यदि वे गंगा देवी के मंदिर की स्थापना करेंगे और वहाँ पूजन अर्चना करेंगे, उन्हें प्रसन्न रखेंगे, तो गाँव वालों को उनका कष्ट से मुक्ति अवश्य मिलेगी। इसी को लेकर आज भी यहाँ माँ गंगा की पूजा होती है और मेला लगता है। आपकी व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है, काफी कई दिनों से, जिस दिन से झंडी लगी है उस दिन से सुचारू रूप से व्यवस्था चल रही है। फिर भी पिछले वर्ष की आपकी कुछ भीड़ में कुछ कमी नजर आ रही है और बड़ी दुकानें नजर आ रही है। भीड़ में कमी किन कारणों से ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन तभी आज के दिन में पर्याप्त भीड़ आई है। करीब 3 से 4 लाख श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करने के लिए आए हैं और जैसा कि आप बताए हैं कि व्यवस्थाएं हम लोगों ने रखी हुई हैं। विशेष रूप से इस बार जो अप्रोच रोड थी वो काफ़ी चौड़ी कर दी गई है, जिससे कि श्रद्धालुओं के आवागमन में कोई दिक्कत ना हो। फ्लड PAC की हमने व्यवस्था की हुई है, जहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं वहाँ पे, और खतरे के निशान वगैरह भी लगा दिए गए हैं जिससे आगे वो न जाए। चेंज रूम वगैरह की और साफ सफाई की व्यवस्था की हुई है घाटों में। सर बिल्कुल जाने वाला ककोड़ा मेला सर आज जो है दशहरा है, तो सर चैनल के माध्यम से सर जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, श्रद्धालु किस तरीके से सर स्नान करें? कार्तिक पूर्णिमा पे पहले सभी श्रद्धालुओं को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा और ये अपेक्षा करूँगा कि जो भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से, उनका पूर्णतः पालन करें। पुलिस और प्रशासन यहाँ पे आपके सहयोग के लिए है, उनका सहयोग करें। मेले में साफ सफाई की व्यवस्था आप जो है अपने स्तर से भी सुनिश्चित रखें, श्रद्धालु का गंदगी न फैलाएं, क्योंकि ये जो सारी व्यवस्थाएं हैं आपके लिए की गई हैं और आप प्रशासन का सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हम इस आयोजन को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। मेरठ में पुलिस चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात एक बार फिर मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान 25,000 का इनामी बदमाश जोना सिन्हा पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं जोना सिन्हा के पास से 2 पिस्टल, 1 दर्जन कारतूस और 1 एक्टिवा भी बरामद हुई है। आज बजोट रोड पर लिसाड़ी गेट पुलिस में इंस्पेक्टर चेकिंग कर रहे थे, इसी दौरान एक्टिवा सवार 2 लोग आए जिनको रोकने का प्रयास किया गया। वो रुकने के बजाय पुलिस पार्टी पर फायरिंग किया, जिसके परिणाम स्वरूप पुलिस आत्मरक्षार्थी आवश्यक कार्रवाई की, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी है, एक बदमाश की काम्बिंग की जा रही है। घायल बदमाश का नाम शुएब उर्फ लाला उर्फ जॉन जीना है, ये कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला है। इस पर करीब दर्जन भर मुकदमे पंजीकृत हैं। इसके पास से 2 पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुआ है, साथ ही साथ इसके द्वारा प्रयोग की जा रही एक्टिवा बरामद की गई है। उसको पता किया जा रहा है कि वो चोरी की है या लूट की है, उस पर कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ घायल बदमाश को मेडिकल कॉलेज में इलाज हेतु भर्ती करा दिया गया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मेरठ में अपराध बेलगाम हो चले हैं, आए दिन अपराधी सरेआम गोली मारने जैसी घटनाओं को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। ताजा मामला मेरठ के किठोरी थाने इलाके के मछराव गांव से जंगलों का है, जहां अपनी मां के साथ बाइक सवार होकर घर लौट रहे युवक को घने जंगल में बाइक सवार 3 हथियारबंद बदमाशों ने घेर लिया। आरोप है कि बदमाशों ने उन्हें लूटने का प्रयास किया, लेकिन लूट में विफल होने पर बदमाशों ने उन पर गोली चला दी। गोली युवक की बाजू को लगते हुए माँ के कंधे में जा लगी, जिससे वो घायल होकर गिर गए। वहीं हमला कर बदमाश फरार हो गए। राहगीरों ने पुलिस को सूचित किया और पुलिस की मदद से घायलों को अस्पताल में पहुंचाया। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। आज दोपहर 3 बजे के लगभग थाना किटौर क्षेत्र में माचरा से जो रैदरा गांव की तरफ रोड जाती है, वहां पर एक युवक जो माचरा गांव का रहने वाला है अपनी माता के साथ बाइक पर आ रहा था। कुछ बाइक सवार युवकों द्वारा उनको गोली मारने की घटना प्रकाश में आई है, जिसमें एक ही गोली चलाई गई है जो कि लड़के के हाथ पे लगी है और हाथ से क्रॉस होते हुए वही गोली महिला के कंधे में जाकर लगी है। दोनों की हालत खतरे से बाहर है, दोनों को मेडिकल में भर्ती करा दिया गया है, मुकदमा लिख लिया गया है। इसमें जो प्रारंभिक विवेचना है उसमें कुछ सत्य सामने आ रहे हैं कि गांव में ही कुछ विवाद था, लूट इत्यादि की बात में कोई सच्चाई नहीं पाई गई है और जो विवाद था उसके सूत्र डेवलप किए जा रहे हैं। बहुत जल्दी इसका घटना का पूरा राजफाश किया जाएगा कि आखिर किन कारणों से ये जो गोली चलाई गई है वो चलाई गई है। धन्यवाद। खबरों में बात करते हैं राजस्थान के मकराना की, जहां पर उपखंड क्षेत्र के कस्बा बोरवाड के बालाजी मंदिर में मंगलवार कार्तिक पूर्णिमा का दीप उत्सव मनाया गया। मिली जानकारी के अनुसार आयोजित दीप उत्सव में संध्या आरती के समय असंख्य दीप जलाकर रंगोली बनाई गई। वहीं मंदिर परिसर में श्रद्धालु भक्तों द्वारा सुंदरकांड पाठ का वाचन भी किया गया। बालाजी महाराज की आरती के पश्चात प्रसाद वितरण किया गया।
आज देव दिवाली कार्तिक शुद्ध पूनम को बागवाल बालाजी के मंदिर में असंख्य दीपक की रोशनी और देव दिवाली मनाई गई। हर साल की भांति इस साल भी कार्तिक पूनम का देव दिवाली को प्रोग्राम है। प्रसाद वितरण, सुंदरकांड, अति आनंद उत्साहित कृपा करी वाला से बागवाल बालाजी। जनपद हरदोई में एक बेटी को दहेज न देने पर मौत के घाट उतार दिया गया। मिरगांव निवासी सीताराम ने थाने में तहरीर दी, बेटी ससुराल वालों पर मुकदमा दर्ज करवाया। वहीं परिजनों का आरोप है कि पुत्री को लगातार ससुराल दहेज के लिए आए दिन मारपीट करता था। वहीं दहेज में बाइक व सोने की लगातार मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर बेटी का गला दबाकर हत्या कर दी गई। आपका नाम क्या? छोटी बेटी। आपके पति का नाम क्या? सीताराम। अच्छा, क्या हुआ घटना? कैसे क्या हुआ सब पूरा बताओ। दहेज भी जमा थे, दहेज ना आई, तुमने ना ही दे पाओ, मोटरसाइकिल मांगा था ते। फिर इनको कुछ करो, अपन हम कहाँ जाने, हम कहीं आते। क्या कभी इनका विवाद भी हुआ आपस में? आपस में यहाँ कई उदाहरण जी मर चुके हैं दहेज के पीछे। कल आपसे फोन पर बात भी हुई? हाँ हाँ, फोन पर बात में क्या बात हुई? कुछ ना ही बात जे भाई दी कहने लगी, मम्मी देखो मैं बाहर ले भाई जेबा का, तुम कहे तुम ना जाइयो बाहर। जय कान लगी तुम हमारो लड़का हमारा भाई डरिए हो जाए, तुम तो और तकली हो, कहे ना जाइयो। ये आपकी लड़की जी? आप कौन? सुंदरलाल गौड़ जी, ग्राम मेरगांव, कोष्ट पिथनापुर नगरिया, जिला हरदोई, थाना हरपालपुर। आप लड़की के क्या है? लड़की के बाबा लगते हैं। आपको सूचना मिली थी? सूचना मिली थी शाम को, अभी आया। क्या सूचना में क्या बताया? लड़की को मार के लटका दिया गया और वहाँ पर स्थिति जो है कमरे की वो ऐसी नहीं दिखाई पड़ती जो लड़की लटक सके। अच्छा, आप लोगों को क्या बताया फोन करके? हम लोगों को बताया गया लड़की को मार डाला गया, मार के लटका दिया गया। ये लड़की के ससुराल वालों ने बोला आपसे? लड़की के ससुराल वालों ने खबर दी। आपको किसने बताया ये बात? पुरानी रिश्तेदारी यहाँ पर है, पहले से कई जगह तो उन्हीं लोगों ने बताया। अच्छा, उसी हिसाब से हम लोग आए। फिर वहाँ से कितने टाइम पहुँच गए आप यहाँ? यहाँ पे हम तो 8 बजे आए अभी। तो यहाँ पे जिन्होंने फोन किया उनके नाम बता सकते हैं आप? मैं गुप्त रखना चाहता हूँ, इस बात को गुप्त रखना चाहते हैं। संगेलाल कश्यप, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, पिछला वर्ग मोर्चा, और हमारी वाइफ मिरगामा ग्राम पंचायत की प्रधान है, डिस्ट्रिक्ट हरदोई। आगे घटना के संबंध में? घटना के संबंध में यह है कि इस लड़की की शादी लगभग 6 महीना पूर्व हुई है और तब से लगातार प्रताड़ित किए चले आ रहे हैं। कई बार मतलब ये सुनने में आया है कि इसको बहुत मारा पीटा, लेकिन हम लोगों ने कहा कि चलो लड़की है, इसको अभी 10 दिन पहले गई थी गांव पर, इसको भेज दिया था। और उसके बाद में कल ये सूचना मिली कि मतलब वो लड़की ने फांसी लगा ली, लेकिन यहाँ जो मौके पर हम लोगों ने स्थिति देखी उस जगह पर फांसी लगाने कोई चांस ही नहीं है, ऊंचाई बहुत कम है। और जिस धोती से देखा गया कि इसने फांसी लगाई, उस धोती में कोई गांठ है, कोई कुछ सिकुड़न तक नहीं थी। तो ये किस वजह से फांसी लगाई? फांसी के प्रताड़ फांसी नहीं लगाई, उसको मार के लटकाया गया है। और यहाँ किसी ने देखा भी नहीं, मतलब जिससे जानकारी हम कर रहे हैं तो ये कहते हैं कि हमने मौके पर नहीं जाके देखा है, जबकि इसको ये लोग ले जा रहे थे कि रास्ते में तब सूचना दी। इसकी कुछ वजह होगी घटना की? वजह तो है, प्रताड़ित करते रहते थे और वो इनके सास और ननद में मतलब उन्होंने मतलब कई बार मार चुकी है, बराबर बहुत प्रताड़ना दी है इसको। और आप ही? हाँ, चूड़ी जैसे कल पहराई, चूड़ी को लेकर मतलब उसने घर पे फोन किया गया, चूड़ी हमें पहराएंगे। उसके बाद में माँ से जो बात हो रही थी और उसमें
ये इनकी जो सास और नंद वो लड़ने लगी तुरंत ही, उसमें फोन पे बराबर मतलब ये आवाज आ रही थी। ये लड़की आपकी कौन है? ये हमारी भतीजी लगती है। आप लड़की के ताऊ हैं? जी। महुआ थाना पनवाड़ी क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर एसआई ज्ञान केंद्र सिंह ने पुलिस टीम के साथ मिलकर चेकिंग अभियान चलाया। वहीं चेकिंग अभियान से बिना हेलमेट व बिना कागज पत्र वाहनों का संपन्न शुल्क वसूला, जिससे वाहन चालकों में हड़कंप मच गया।